رفض عشقا فأتيت إلى حبيبي فهد يا قلب ظريف आ चुके थे घर और ये बैठी है हमारी पूरी टीम। ओए गाइस गाइस बाय भाभी, आप जा रहे हो, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अबे तो साथ जा रहा है, इतनी एक्टिंग करता है गाइस ये। तो हम लोग मम्मा के घर से आ गए थे यहाँ पे। रुकना है क्या? हाँ रुकना है। लेकिन इसे ना आप जी से बोलो, वहाँ पे काम है। चलो इसने तो बैग ला के टिक्की में डाला। आई सॉरी सॉरी। तो गाइज ये फ्रेंड है और ये हमारे साथ जा रहा है। देखो ना नद्दा, मुझे बोलती आईज आईज। बीच वाली सीट में। हाँ बताओ फिर। गाइज तो गाइज या हुरन को सब आ गया ब्लॉगिंग करना। और ये यहाँ का हमारा दही है जो इफ्तारी के टाइम पे हम लस्सी बना रहे थे, बच गया। वो भी मैं ले जा रही हूँ जो बचा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे काम नहीं आएगा। और पूरा घर जो है पूरा सब कुछ क्लीन है, किचन पूरा ऑल। मैं पता है पूरा सेट करके जाती हूँ, और जब लकी मेरे बिना जब एक हाथ बार आते हैं ना तो चक देते फटे। तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ। डाइनिंग एरिया का भी सारा विंडो सब कुछ क्लोज कर दिया है। लड़के लोग रहते हैं तो सब आते जाते रहते हैं। चलो चलो उठो उठो सारे, हम बहुत लेट हो रहे हैं। पर्स ले ले। चलो मेरा बैग, मेरा फोन है, चार्जर डालो ना मेरे पर्स में। ये बेटा एसी वाले में रहना। और जगदीप भी हमारे साथ जा रहा है क्योंकि उसके एग्जाम हो गया है, तो वो अपनी फूफू के घर वैकेशन में जा रहा है। हैं जग्गू तो चलो। तो फाइनली लॉक लग गए गाइस, अब हम निकल रहे हैं और अब हम स्टे करेंगे जहाँ पे होगी हमारी सहरी। जस्ट अभी लक्की ने सबने सहरी कर ली है और लक्की की नमाज भी हो गई है गाड़ी में। बस अभी हम फिर से सफर पर निकल जाएंगे और पहुंचेंगे घर, एंड देन आपको मिलेंगे। रेन का समझ नहीं कैसे। गुड मॉर्निंग, बस फ्रेश होने जा रही हूँ। बिल्कुल भी नींद नहीं हुई लेकिन पूरा ध्यान गर्म है। आंटी आ गए हैं फ्रेश होके, फिर दिमाग चलेगा। तो फ्रेश होके ना दिमाग की नसें भी खुल जाती है और समझ आता है क्या करना है। पूरे घर में फूल ही फूल है, पता है। ये लक्की के पूरे ना बर्थडे जाने से पहले बर्थडे का केक वगैरह कटा था। पूरा घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। पूरे घर की अभी क्लीनिंग डन हुई है, अभी तो झाड़ू पोछे सब बाकी है। और ये गिरीश आधी नींद में उठ जा। हम जब गए तो लकी घर पे थे, तो जोई घर पे ही थी। और जब लकी गए तो लकी जोई को जो है यहाँ पर एक भाई के घर पे छोड़ के गए थे। तो जस्ट अभी जोई आई है और हुरैन जोई को ऐसे लेके बैठी है जैसे नहीं कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे के साथ लिपटी हुई होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यार कर रही है। जोई भी बिल्कुल चेंज नज़र आ रही है, उसके पास बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। सुला दो। हाँ सुलाओ, भग जाएगी, पकड़ लो। देखो बहुत मुश्किल से हुरैन मिली है जोई को, अब उसको छोड़ नहीं रही है। आपका बेबी है ये? हाँ वो जाने दो जाने दो, वो यहीं खेलेगी, वो यहीं खेलेगी। बस ये बॉटलें हैं जिसमें लकी लस्सी, और मैं एक्चुअली बनाकर भी गई थी कि लक्की को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो लक्की पी सके दो दिन तक। लेकिन उन बॉटल्स को देखो वॉश नहीं किया, मे भी आंटी भी भूल गए, कुछ फ्रिज में ही पड़ी रह गई। तो इन्हें मैं अभी गर्म पानी डाल के अच्छे से वॉश करती हूँ। और ये बॉटलें बहुत ज़्यादा काम आती हैं।
गर्म पानी में थोड़ा सा सोडा मिलाया है मैंने और देखो बॉटलें बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। एकदम क्लीन। तो सवेरे सवेरे चल रही है क्लीनिंग, आज हो रही है आंगन की अच्छे से डीप क्लीनिंग आंटी कर रहे हैं। और यहाँ पर आ चुका है मेरा बहुत ही बड़ा वाला पार्सल। और वो भी न्यू पर्दे ब्रांडेड ब्यूटीफुल है, ये देखिए, ये मैं और एक पैटर्न और लिखा, अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छे-अच्छे हैं। वाओ देखा, ये रखे यहाँ पे, ये भी बेस्ट है। और ये देखिए, वाओ ये भी है, बहुत प्यारा है। ये भी देखिए, किया था मैं, ये तो पेलमेट्स है। हां ये भी एक है, ये देखिए वैरायटीज। वाओ ये है मेरे कर्टन्स, वाटर ग्रीन कलर। हाँ मेरे कर्टन्स आ चुके हैं और आज मैं इन्हें लगाऊंगी। थैंक यू गिरीश, गिरीश जस्ट जाके पार्सल लेके आया है क्योंकि बाद में फिर ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ईद की शॉपिंग का भी टेंशन हो रहा है कि कहाँ जाए, कहाँ से शॉपिंग करें, टाइम नहीं है। मैंने इस बार प्लान किया था कि हम लोग इस बार रमजान में पहले 2 दिन के लिए सही लेकिन मुंबई जाएंगे, मुझे लोखंडवाला से शॉपिंग करनी थी, बट टाइम इतना कम है और अभी ईद तक तो चलो बिजी है ही, ईद के बाद फिर बहुत सारे काम न्यू वाले। अच्छे अच्छे ये देखो डे टाइम, हाँ कर दम दिखा। बना रहे हैं सिंपल एंड इंस्टेंट इफ्तार दोनों मिलके, क्योंकि लकी अब आ रहे हैं किचन में, जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। रमजान का 20वां रोजा मुबारक हो, 19वां रोजा मुबारक हो। बस चल रहे, बहुत दिनों के बाद हमारे किचन में हम काम कर रहे हैं। तो और हुरैन को टब में बिठा दिया, ये हुरा, ये हुरा। तो इनका मेरे बिना दिल नहीं लगा, देखो कह रहे कि मुझे तुम्हारे हाथ का ही इफ्तार बहुत अच्छा लगता है। सही बात, जोर से बोलो, सही बात, सही बात, अच्छा लगता है। ये तो अकेले देखो ऐसे करते थे, वो बनाते नहीं था सब बेटी में, बस एक बार बनाया था पकौड़े, मिर्ची पकौड़े। फ्रेश हो गया, चलो फिर अपन अच्छे वाले कप्पे वे करेंगे, चलो। कीमा समोसे और प्याज और पालक वाले समोसे, ऐसे दो अलग अलग बना रहे हैं। तो यहाँ पे चल रहा है फाइनल मॉपिंग, बस यहाँ की सारी क्लीनिंग मैंने डन करवा ली। जब मैं यहाँ से गई थी वेदर इतना ज्यादा चेंज था और जब आई हूँ ना इतनी कड़क धूप हो चुकी है, मतलब वेदर पूरा एक जो समर होते हैं ना एकदम कड़क वाले वैसा हो चुका है। अब बच्चे देख लो हमारे, पहले लकी ना बोला करते थे खाता सोडा, उनको समझ नहीं आता था ये क्या मांग रहे, शोरमा नहीं शोरमा। और ये हमारे आंटी जो पूरा घर साफ करते हैं और मेरे दो नलायक बच्चे जो बहुत ज्यादा गंदा करते हैं, फिर आंटी आके क्लीनिंग करते हैं। 15 मिनट बचे हैं बस। दही भी आ गया है, जब दही आ जाता है ना बस फिर मुझे लस्सी की याद आती है। इतनी ज़्यादा थकान थकान लग रही है पता है मुझे, मतलब नींद नहीं हुई कुछ नहीं, और इफ्तार शुक्र है लकी है तो मेरा काम चल जा रहा है। और पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जाते हैं कहीं बाहर वैकेशन पे, जब वो आते हैं तो बिल्कुल रिफ्रेश होके आते हैं, बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं। मेरा तो ऐसा ही, अगर मेरे को थोड़े दिन के वैकेशन या 2 दिन का भी ऐसा फ्री ऑफ मिल गया ना काम से, छुट्टी मिल गई, तो मुझे तो मौत पड़ती है वापस आने के बाद कि कहाँ गए मेरे वो दिन जहाँ मैं सो रही थी, मुझे कोई उठा नहीं रहा था, एकदम रिलैक्स थी, मतलब रिफ्रेश नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। समोसे डन हो गए, आज वेज भी बने हैं। ये वेज है, पूरा वेज पहले हम ट्राई कर रहे हैं और बाद में हम जो नॉन वेज ट्राई करेंगे अलग अलग, बाकी किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए गाइस, राइट राइट सब हो जाता।
बात तो वही है ना कैसे दस्तर बिछाओ। देखो हमारा हुरैन दस्तर लगा रहा है। लगाओ लगाओ जल्दी, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, पूरा टाइम हो चुका है। अब जल्दी जल्दी इफ्तार लगाकर डायरेक्ट दस्तर पे बैठते हैं। होती है रोजादारों पे रहमत की बारिशें, टलती ही जाए कैसी भी हो आजमाइशें, जो सब्र सिखाती है वही प्यास है रमजान। एहसास है एहसास है एहसास है रमजान, एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। इफ्तार हो गया, इफ्तार के बाद बस ऐसा होता है कि बैठे रहो, आप कोई काम मत करो। और अभी जस्ट एक भाई आए थे, वो बिरयानी लेकर आए, तो लकी को मैं ज़बरदस्ती खाएंगे तो नहीं, क्योंकि उन्होंने निकलना है अभी, उनकी अभी रात की फ़्लाइट है और कल उनका रिटर्न फ़्लाइट है, तो वो कल ही वापस आ जाएंगे। ये अच्छा हो गया पता है कि फ़्लाइट में जब लकी जाते हैं ना, फ़्लाइट से गई तो वो नेक्स्ट डे वापस आते हैं, बाय रोड जाते हैं तो फिर 4-5 दिन लग जाते हैं। इफ्तार बाद ये आ गए हमारे दिनेश भैया। दिनेश भैया आपको बहुत लोग देखते हैं वीडियो में कि नहीं? सब देखते हैं। चलो फिर अच्छा अच्छा बोलो, आप वैसे ही फेमस हो गए हो। अच्छा तो दिनेश भैया आती है, देख मेनू मान रहे अच्छे ड्राइवर है ना। हाँ हमारे पर जाते हैं मतलब अच्छे ड्राइवर है दिनेश भैया। एम्बुलेंस ये खड़ी है दिनेश भैया की, ये दिनेश भैया है ना, आप हो इसके मालिक है ना। यस अच्छी बात है। तो हमारी हुरैन और ये लोग देखो वो क्या कर रहे हैं, वो बॉल लेके क्यों भागा अंदर। अब देखो मुझे कर्टन्स भी लगाने, अभी तक मैंने लगाए नहीं है, सोचा ही नहीं, अब लकी जा रहे हैं ना, अब लगाऊंगी। अम्मा ओ मेरा छोटू बेटली का है जो ना, मम्मा को पावल दे देता। थैंक यू दिनेश भैया। ये बैग अब डैडी का बड़ा वाला बैग लाओ, उसमें डालना है। अब तक तो मजाक समझ रही थी वो डैडी जा रहे बोल के। डैडी फोन रख दो, डैडी फोन रख दो। देखो भाई जी एक दिन के लिए भी निकले ना अगर, तो अपना फोन नहीं रखते। अरे कुछ काम कर रहा हूँ ना। तो आज का खूबसूरत सा व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग्स के साथ जिसमें होगा हुरैन का इस्लामिक हैप्पी बर्थडे इफ्तार दावत। सो प्लीज़ मिस मत करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।